अज मां पियो नू गालियां ना दई कदी बाप नू छिड़क ना मारे यार कदी बाप नू दाबा ना मारे यार मलक तरसा किन्ने दुख नहीं से होने तेरे बाप ने किन्निया कुर्बानिया नहीं दितिया होनिया आंदा होना मेरिया पुत्रा मेरे अख्तर पुत्रा मेरिया हवेलियां भी तेरिया ने मेरिया जमीना भी तेरिया ने मेरे मकान भी तेरे ने मेरा माल डंगर भी तेरा है बाबा जी पियो जमीना बनांदा ते पुत्रा वास्ते पियो हवेलियां बनांदा ते पुत्रा वास्ते अल्लाह तेरा रोना कबूल करे जुमले सुनिया ने सारी जिंदगी सैकल ते फेरी लांदा है आंदा मेरे पुत्रा दे मकान बन जान आंदा मेरे पुत्रा दी हवेली बन जाए आंदा मेरे पुत्रा दा रोजगार बन जाए ओए लोको जेड़ा पुत्रा पिछे अपनी जान कुर्बान करदा है जेड़ा पुत्रा पिछे अपनी जवानी वारदा है मलक अख्तर उन्हें अपा आंदे नी उन्हें बाप आंदे नी ताइयों सुल्तानी मियां साहब ने कलम उठाई है बाबे इधर वेखियो रूमिए कश्मीर बोली आई दरदा बादशाह बोले आए के मियां साहब ने बाप मरे ते है सिर ने बाबे ओ तेरे अंदर गाली जा रही है बाप मरे ते सिर ने कहो में आए हाय हाय है लोको बाप मरे ते है बाप मरे ते है सिर ने कहो हाथा वीर मरण मंजर चठा लिया दर्दे दिल नाल हाथा वीर मरण कंडे खाली है मामा बाज सजना मामा बाज मोहम्मदी बख्शा ते कौन करे रखे वाली अज मां पियो दी कदर कर लई अज तेरे रिश्तेदार भी रो रहे ने अज पिंड वाले भी रो रहे ने बच्चा बह जा थले मिल जाने जुमले समाधि करे आ रही मेरे नबी ने फरमाया जन्नत दा दरवाजा बाप जन्नत दा दरवाजा बाप जन्नत दा दरवाजा बाप जन्नत दी चौखड़ बाप जिन्ने बाप नू सताया है उन्ने सुख कदी नहीं पाया जिन्ने अपे नू गालियां दितियां ने मैं बाबा जी बड़े बड़े चौधरी रोल दे वेखे ने मैं बड़े बड़े मलक रोल दे वेखे ने मैं बड़े बड़े जट ते बट रोल दे वेखे ने जिन्ने पियो नू दाबे मारे ने जिन्हें अपे नू गालियां दितिया ने जिन्हें बाप नू चिड़का मारिया ने अल्लाह दी कसम उठा के आना वा जिदे ते अपा राजी हो जाए ओदे ते अरशां वाला खुदा भी राजी है जिदे ते बाप राजी ओदे ते अल्लाह राजी इज्जत लायक सामीन व नाजरीन अल्लाह करीम दा करोड़हा मरतबा शुक्र है कि उस पाक जात ने अज सन सारिया नू अपने और अपने प्यारे महबूब की महफल दे अंदर बैठन की तौफीक अता फरमाई और बानी महफल मलक मुहम्मद अख्तर साहेब जिन्होंने अज की इस सारी बजम नू सजाया लंगर पकाया एहतमाम किया अपने वालद साहब के इस हाले सवाब वास्ते अल्लाह करीम मलक अख्तर साहब के वालद साहब की कामिल बख्शिश व मगफरत फरमाए माशाल्लाह जिन्हें मेहमान तुम आए हो तलकदार आए हो पिंड वाले आए हो मुहल्लेदार आए हो अल्लाह थोड़ा भी आना कबूल फरमाए तुसी मलक अख्तर साहब की आवाज़ से लबैक है और बिलखसूस उलामाई कराम मेरे सज्जे पासे तशरीफ फरमाने अल्लाह करीम सारिया का सना खाना का उलामाई कराम का आना अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल फरमाए सानू मलक साहब ने हुक्म फरमाया असी भी सियालकोट तो तुहाडी जियारत वास्ते हाजिर हाँ वजदान साउंड सिस्टम ये भी बहुत दूर तो सियालकोट तो सफ़र करके तुहाडे तक पहुँचे ने
पूरे नेटवर्क दे नाल वीडियो बन रही, पूरी दुनिया तक ये पैगाम जाएगा मलक अख्तर साहब की तरफों। इन्होंने अपने वालिद साहब वास्ते सारा इंतजाम किया और जिन्हें बंदियां ने लंगर खाता उन्होंने पता लंगर भी सोहना पकाया इन्हें कि कोई नहीं पकाया बोले नहीं ना तुसी के सारे खादा ना जी लंगर सोहना सी उची बोले लंगर सोहना सी ए बाबे हरी नहीं बोलते पे इन्होंने नहीं जी दिता यह लंगर सोहना सजे तो सारिया खादा कोई बंद यह नहीं कह सकता भी मैं नहीं अल्लाह मलक अख्तर साहब तोड़े वाले साहब की बख्शिश फरमाए बड़ा सोहना तुसा इंतजाम किया और मैं इस बात तो बहुत खुश हाँ कि टाइम के नाल बयान शुरू हो गया वगरना इस टाइम तो लोग महफल शुरू करवाते हैं पिंडा थावे वे तो पता है तो बड़े टाइम नाल इंशाला टाइम नाल ही यह प्रोग्राम की दुआ भी हो जाएगी तुम वाकई आखो कि सोहना प्रोग्राम होया बाबा जी वालदैन की शान वालदैन का मकाम और खसूसन इन्हें मैंने कहा कि तुम अब्बे की शान पढ़नी है पूरी दुनिया तक आवाज जानी है लोग सुन और लोगों पर असर भी हो पंद्रमा सपारा सूरत बनी इसराइल के अंदर अल्लाह तला ऐलान फरमा रहे हैं उफिम वला तन हर हुमा व कुल्ला हुमा कौलन करीमा एक जगह पर अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि अपने वालदैन के सामने उफ भी नहीं करना उफ भी नहीं करना व कुल्ला हुमा कौलन करीमा और अपने बाजू रहम दे करम दे तुसी उन्हां वास्ते बिछा देने ने दूसरी जगह पर की किया कुर रब्बी रहम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा अतवजो फरमाया जे मंचर चठा लियो अल्लाह ताला कुरान पाक दे अंदर अपने वालदैन वास्ते दुआ का हुक्म ही दे रहे हैं कि दुआ करो और नबी पाक ने फरमाया तुसी कवो उम्मतियां नू कुल हजूर तुसी फरमाओ लफ्ज़े कुल वेखो ना अल्लाह ने अपनी तौहीद का ऐलान किया तो वह भी लफ्ज़े कुल तू किया जी अगर हजूर की रिसालत का ऐलान किया तो वह भी लफ्ज़े कुल तू किया अगर लोगों ने मुखातब किया तो वह भी लफ्ज़े कुल तू किया कि महबूब तुसी बोलो अल्लाह ने डायरेक्ट नहीं फरमाया कि मैं एक हाँ कुल हुवल्लाहु अहद सुनिया तुसी ऐलान करके दसो कि अल्लाह एक है अल्लाह ने तौहीद का ऐलान भी मुस्तफा करीम के लबां तों करवाया और जो अजमत वालदैन की वारी आई तो मंजर जठा लियो फिर भी मुस्तफा की जुबान तो कराया लबे मुहम्मद तो कराया लबे मुस्तफा करीम तो कराया फरमाया कुर रब्बी रहम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा फरमाया अपने वालदैन वास्ते दुआ करो की करो बाबेओ अपने वालदैन वास्ते की करनी है दुआ यादगार महफल होवे पूरी दुनिया तक जाए वाकई मलक अख्तर साहब ने अपने वालिद साहब नू सोहना याद किया और इंतजाम किया कुर रब्बी रहम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा दुआ करो अपने वालदैन वास्ते हुण बंदे सोची पै जांदे ने कुछ साढ़े भाई कहिंदे ने जिहड़ा बंदा दुनिया तों टुर गया बस टुर गया खत्म हो गया हुण की करना जे किहड़ा खत्म किहड़ा दसवां किहड़ा कुल ते किहड़ा सलाना मैं क्या अल्लाह कह रहा दुआ करो की कह रहे अल्लाह जे कुरान ना होवे मैं लख रुपया जुर्माना देंगा कुरान लैके आवो जिदा मर्जी तर्जमा लैके आवो मैं साबित करांगा बाबा अल्लाह कुरान के अंदर ऐलान फरमा रहा है कुर रब्बी रहम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा महबूब तुसी इन्हां नूं आखो कि दुआ करो अच्छा किदे वास्ते इधर वेखियो वालदैन वास्ते किन्हां वास्ते वालदैन वास्ते ते दुआ करनी किवें वे मंचर चठा लियो अल्लाह ने वह तरीका भी दसिया भी दुआ किवें करनी है कमा रब्बा यानी सगीरा फरमाया इंज दुआ कर कि या अल्लाह जिवें बचपन विच मेरी माँ ने मेरे बाप ने मेरे ते रहम कीता सी मेरे आ मालका ज मेरे वालदैन ते रहम फरमा छड़ एक बारी बावादे बुलंद बोलिया जे जरा सुभान अल्लाह जी जी जेड़े मुहब्बत ना बैठे हो प्यो की शान बाप की शान सुनन आयो एक बारी बाबा जे बुलंद बोलिया जे जरा सुबहान अल्लाह अल्लाह मख्तर मलक अख्तर तेरे डेरे नू वसदा रखे अल्लाह तेरे बाप की कामल बख्शिशो मगफरत फरमाए सुल्तानी नू बुलाया ही ते जोक लई ते दिल की तख्ती ते नक्शा करके लै जाई बाबा जी इसे वास्ते रोमी है कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह लैन कलम उठाई है मंजर चट्ठा दी सरजमीन अंदर बहन आलिया सुनी दर्दे दिल नाल सुल्तानी पैगाम दे के चलाए ते मियां सा फरमांदे ने सदा ना बागी ओए बुल्ले बुल्ले बोले आए हाय बाबा जी मेरे वाल वेख नहीं जरा है सदा ना बागी है सदा ना बागी है बुल्ले
शुरू हो गई जिनाद है सदा ना भागी है बुल्ले बुल्ले बोले ते सदा ना भागे बहारा है सदा ना मापे है सजनो सदा ना मापे है हुसैन जवानी है सदा ना सोहे बते यारा आए हाय मंचर जट्ठा दी सरजमीन विच बैण आले हो अल्लाह दा कुरान ईलान फरमा रहे आए फरमाया रब्बिर हम होमा आज मलक अख्तर दे आज सज्जन भी आए ने आज यार बेली भी आए ने आज मामे चाचे ताए भी आए ने आज सुल्तानी सियाल गोटियां आ गए आज मलक अख्तर दी हवेली बह गए सारी दुनिया नु पैगाम दे के टुर चलावे अल्लाह दा कुरान ईलान फरमा रहे आए अपने वाहल देन वास्ते दुआ कर यारे हाजी अब्बे दी दुआ वास्ते बुलाया ही हाजी अब्बे दे खत्म दे दुनिया नू बुलाया ही या अल्लाह किवें दुआ करनी है फरमाया इधर देखियो किवें दुआ करनी है अल्लाह ने फरमाया अलामा साहब कमा रब्बा यानी सगीरा जिवें बचपन विच तेरी मां तनु चुमदी रही है बाबा जी जिवें बाप चुमदा रहा है जिवें मां ने रहम कीता वे जिवें बाप ने रहम कीता है मलक अख्तर साहब हज डेरा बनाई बैठा है हज मकान विच बनाई बैठा है इत्थे बाप भी मेहनत लगदी है हे पीछे बाप दियां रातां लगदियां ने अल्लाह दा कुरान ईलान फरमा रहा है फरमाया उफिम वाला इधर देखी उफिम वाला तन हर हुमा वकुल्ल हुमा कौलन करीमा जिन्ने वाल दैन दा अदब कीता एहतराम कीता है अल्लाह ने ओदी कंड नहीं लगन दीती है मंचर जठाया लिया जिन्ने पियो नू सीने लाया है जिन्ने बाप दा मथा चुमिया है जिन्ने मां दे पैर चुमे ने अख्तर साहब मैं कदी पुत्र दी कंड लगदी नहीं वेखी मैं बड़े बड़े चौधरी वेखे ने मैं बड़े बड़े एम एन ए डी एम पी ए वेखे ने ओना आखिया लामा साहब साढ़े पीछे साढ़े अब्बे दी दुआ है साढ़े पीछे साढ़े बाप दी दुआ है साढ़े पीछे साड़ी मां दी दुआ है थाइयों ते सुल्तानी कह रहे आए अपनी मां पियो दा यद भी करे आ रहे मेरे नबी ने फरमाया मां दिया पैरा थले जन्नत इधर वेखियो मां दिया पैरा थले जन्नत मेरे आका ने फरमाया सहाबा जी आका फरमाया जन्नत दा दरमियानी दरवाजा वेखना जे हदीस ना होवे मैं जुर्मदार हां ए दो किबला बैठे ने मेरे वल तवज्जो फरमाया जे मेरे सब नबी का करीम दी महफल लगी हुई है मलक अख्तर साहब सहाबा सामने बैठे ने जनाबे बिलाल सामने ने जनाबे अबू बकर सामने ने जनाबे उमर सामने ने जनाबे उस्मान सामने ने मौला अली सामने ने तवज्जो मौला अली सामने ने हैदर करार भी थे वे सदीकां दा बादशाह भी थे वे फरूक आजम इधर देखी जुमला सुनी फरूक आजम भी थे ने हैदर करार भी थे ने काले रंग दे बिलाल भी थे ने मलक अख्तर साहब जुमले सुने आ रहे मेरे नबी ने फरमाया सहाबा बाबियो वेख्या जे मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जी आका हुक्म आवे फरमाया जन्नत दा दरवाजा वेखना रे इधर वेखी फरमाया जन्नत दा दरवाजा वेखना रे हां सोनिया जन्नत दा दरवाजा वेखना है आज सारे जट्ठा बरादरान बैठे ने आज मलक बरादरान बैठे हो जुमले सुनिया
सारे बाबा जी साहबा ने हाथ बन ले हर्ज की सोने असा ते सुनिया जन्नत आसमान उते वे जिथे जन्नत होवे बाबा जी जुमले सुनियो जिथे जन्नत होवे उथे जन्नत का दरवाजा आंदा है उथे जन्नत की चौखट आंदी है मलक साहब जुमले तवज्जो ना समाधि कर यार साहबा ने अर्ज की कमली वाले सोनिया लजपाला मिठल मन ठारा जन्नत आसमाना उते वे जन्नत का दरवाजा किथे वेखांगे इत मलक साहब जुमले सुनने नहीं जिदू इनी गल की सहाबा हाथ बन के खलो गए इधर मेरे वाल वेखियो सहाबा हाथ बन के खलो गए हर्ज की सोने हे जन्नत का दरवाजा किवें मिलेगा जन्नत की चौखड़ किवें मिलेगी मलक अख्तर अल्लाह तेरे अब्बे की बख्शिश करे जुमले सुन जाने नहीं मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जिन्हें जन्नत का दरवाजा वेखना है अपने अपने घर चले जाओ अल्लाह की कसम है नौजवान मेरे सामने बैठा है एदे पिंड भी महफल दे आया लप्पा काबा की कसम दुनिया याद कर दई मलक साहब जुमले जाया ना करी तेरे दिल ते नक्शी कर जाने ने मेरे नबी ने फरमाया साहब जिन्हें जन्नत का दरवाजा वेखना है जिन्हें जन्नत की चौखड़ वेखनी है अपने अपने घर नस जाओ अपने अपने घर चले जाओ साहबा ने आख्या सोने हे जन्नत साडे वेड़े में आए हाए हाए इधर सुनी बाबा हे जन्नत साडे वेड़े में हे जन्नत का दरवाजा साडे वेड़े में मलक साहब मेरे मुहम्मद की जुबान बोलीए कायनात का सरदार बोले आए कायनात का वाली बोले आए कुल नबियां का सरदार बोले आए सवा लख नबियां का इमाम बोले आए बाबा जुमले सुनी मेरे नबी ने फरमाया जिन्हें जन्नत की चौखड़ वेखनी है अपने घर जाके इतने जुमले सुनने नहीं तवज्जो नाल अपने घर जाके अपने वेड़े जाके अपने घर जाके एक बारी अब्बे दा चेहरा वेख ले एक बारी बाप का चेहरा मंजर चठा लियो सुनो एक बारी अब्बे का चेहरा वेख ले एक बारी बाप का चेहरा वेख ले मेरे मुहम्मद ने फरमाया साहबा जिन्हें बाप का चेहरा वेखिया है इंज समझे मैं जन्नत का दरवाजा वेखिया है मैं जिन्हें बाप का मथा चुमिया है जिन्हें अब्बे का मथा चुमिया है इंज समझे मैं जन्नत की चौखड़ चुम ली है मैं जन्नत का दरवाजा चुम ले आए थाइयों सुल्तानी कह रहे आए जिन्हें बाप का मथा चुमिया है अलामा साहब उन्हें जन्नत की चौखड़ चुमी है इधर वेखिया रे जिन्हें मां दे पैर चुमे ने उन्हें जन्नत की जमीन चुम ली है क्या बात है जिहड़ा होश ना बैठा वे जिन्हें मां दे पैर चुमे जिन्हें बाप दे पैर चुमे ने उन्हें जन्नत की चौखड़ चुम ली अज मां नू पियो नू गालियां ना दई कदी बाप नू छिड़क ना मारिया रे कदी बाप नू दाबा ना मारिया रे मलक तरसा किन्ने दुख नहीं से होने तेरे बाप ने किनिया कुर्बानियां नहीं दितियां होनिया आंदा होने मेरिया पुत्रा मेरे अख्तर पुत्रा मेरिया हवेलियां भी तेरिया ने मेरिया जमीना भी तेरिया ने मेरे मकान भी तेरे ने मेरा माल डंगर भी तेरा है बाबा जी पियो जमीना बनांदा ते पुत्रां वास्ते पियो हवेलियां बनांदा ते पुत्रां वास्ते अल्लाह तेरा रोना कबूल करे जुमले सुनिया ने सारी जिंदगी सैकल ते फेरी लांदा है आंदा मेरे पुत्रां दे मकान बन जान आंदा मेरे पुत्रां दी हवेली बन जाए आंदा मेरे पुत्रां दा रोजगार बन जाए ओए लोको जेड़ा पुत्रां पिछे अपनी जान कुर्बान करदा है जेड़ा पुत्रां पिछे अपनी जवानी वारदा है मलक अत्तरे उन्हों अप्पा आंदे नी उन्हों बाप आंदे नी ताइयों सुल्तानी मियां साहब ने कलम उठाई है बाबे इधर वेखियो रूमिए कश्मीर बोली आई दरदा बादशाह बोले आए मियां साहब ने बाप मरे ते
है सिर ने बाबे ओ तेरे अंदर गल जा रही आ है बाप मरहे ते सिर ने है लोको बाप मरे ते है बाप मरे ते है सिर ने गाहो वे हाथा वीर मरण मंजर जठा लिया दर्दे दिल नाल हाथा वीर मरण कांडे खाली सजना मामा बाज मोहम्मदी बख्शा थे कौन करे रखे वाली अज मां पियो दी कदर कर लई अज तेरे रिश्तेदार भी रो रहे ने अज पिंड वाले भी रो रहे ने बचिया बह जा थले मिल जाने जुमले समाधि करे आ रही मेरे नबी ने फरमाया जन्नत का दरवाजा बाप जन्नत का दरवाजा बाप जन्नत का दरवाजा बाप जन्नत दी चौखड़ बाप जिन्ने बाप नु सताया है उन्ने सुख कदी नहीं पाया जिन्ने अपे नु गालियां दितियां ने मैं बाबा जी बड़े बड़े चौधरी रोल दे वेखे ने मैं बड़े बड़े मलक रोल दे वेखे ने मैं बड़े बड़े जट ते बट रोल दे वेखे ने जिन्ने प्यो नु दाबे मारे ने जिन्हें अपे नु गालियां दितियां ने जिन्हें बाप नु चिड़का मारियां ने अल्लाह दी कसम उठा के आना वा जिदे ते अप्पा राजी हो जाए ओदे ते अरशां वाला खुदा भी राजी है जिदे ते बाप राजी ओदे ते अल्लाह राजी बाप दी रजा विच रब दी रजा है की बाप दी उची बोलियो बाप दी मैं अगले दिन एक नूं आख्या मैं क्या अबे नूं अज भी करवाया जे कोई नहीं ते पंज पुत्र सन उस प्यो दे ते पंजे खांदे पींदे ना माड़ा कोई नहीं सी गड्डियां आले कोठियां आले सारे माल दौलत आले ते मैं आख्या ओए अबे नूं अज कराया जा ए बाबे उस जुमले सुनियो ते वड्डा बोल के मैनूं कहण लगा कहिंदा अबे रानूं कहने अबे हरी जांदे ही नहीं वेखियो जुमले सुनियो अपनी इज्जत बचाण वास्ते भाई अबे रानूं कहा अब्बा जी अज कर आओ ते अबे हरी नहीं जांदे वो हाजी साहब भी जिहड़े कहण दे सन आपी अज कीते सन अबे नूं आंदे सन भी अब्बा अज करन नहीं जांदा ते उहनां दे वालिद भी मेरे यार सन असां यारी बजुर्गां नाल लाई है बाबयां कोल जिहड़ियां गल्लां लभदियां ना नौजवानां कोल उह नहीं लभदियां इह तमाशबीन हुंदे ने नौजवान ते जिहड़े बजुर्ग हुंदे ने उहनां अकल दी गल करनी है उहनां दनाह दी गल करनी है उन्हें हमेशा अच्छाई की गल करनी है बुराई की गल उन्हें मत किसी को भैड़ी देनी कोई नहीं अजुमले सुनियो बाबिया को बया करो वो किसी बाबे को बहिए तो गल चंगी लभ जाती है तो जे अपने अबे को बहिए तो भला जे अपने बाप को बहिए हूँ अल्लाह की इज्जत अल्लाह की इज्जत की कसम है अपने बाप को बहिए तो फिर वड्डी गल लभदी क्यों दुनिया का कोई भी बाप हो मेरे वाल सुनियो जुमला वड्डा जे करोड़ों का दुनिया का कोई भी बाप हो वो नशई होवे वो जुआबाज होवे वो बाबा जी आबी वैली होवे वो कदी भी अपनी औलाद का नुकसान नहीं सोचेगा मेरी गल याद रखे बाहरों जो मर्जी करे ठगियां लावे जो मर्जी करे अपनी औलाद वास्ते वो मुखलस होएगा उहदा ए ही मकसद होवेगा कि जो मैनू लभदा पवे ना भावें हलाल नाल ते भावें आराम नाल मैं घर लै जां मंजी ते भी प्यो पिया होवे ना बाबा जी ते बड़े आसरे होंदे जे धीआं नूं बड़े आसरे होंगे जे पुत्रां नूं तो उस बीबी नूं भी बड़ा आसरा होंदा अजे तक बेवा नहीं उन्हूं लोग कहिंदे उन्हूं पता होंदा इहदा खावन जिंदा है भावें वह उठदा नहीं चल नहीं सकता लेकिन फिर भी खावन तो है वे ना किसी का बाप तो है वे ना किसी धी का सहारा तो है वे ना बाबा जी बाप की बड़ी कदर जे प्योवां दे नाल ही रौनक होंदियां जे डेरे दियां बाप दे नाल ही हवेली दियां रौनक होंदियां जे जिन्हां दे छोटिया छोटिया प्यो मर जाण ना एक कमरे ते लैंटर पाना औखा हो जाता सारी जिंदगी मैं अल्लाह की कसम सच पे कहता एक कमरा बनाना किबला औखा हो जाता उन्हां वास्ते वो यार जिन्हें बारह तेरह साल तू साइकिल सही करने ते लग गया मोटरसाइकिल सही करने ते
ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਰੂਦ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰੀ ਪੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਪਿਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਪ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਣ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਏਡਾ ਇਹਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਬੇ ਹਰੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆਪੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਵੱਡਾ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਬਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਆਨੇ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਆਬਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੁਸਾ ਲਾਵਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖਿਆ ਨਾ ਵੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮੇ ਬਾਬਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, 85 ਸਾਲ ਉਮਰ ਅਤੇ ਟੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕਦੀ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਖੇ ਬਾਬਾ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਵਾਨਾ ਹੈ। ਕਿਬਲਾ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਮਲਕ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ। ਬਾਬੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉਬਾਦ, ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਫਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਾਲ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਿਹਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਕਰ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਲਾ ਲੀਲਾਨ ਅੱਜ ਮੰਜ਼ਰ ਚੱਠਾ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨੀ ਆ ਗਏ, ਨਬੀ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੱਲਾ ਹੈ। 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਸੱਟ ਨਾ ਪਈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸੋਹਣਾ ਏ ਦਰਬਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੋ ਸੋਹਣਾ ਏ ਦਰਬਾਰ ਮਦੀਨੇ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਹਣਾ ਏ ਦਰਬਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਏ ਦਰਬਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਚੱਲੀਏ ਥਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਲੈ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਛੜੇ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ, ਸੋਹਣਾ ਏ ਦਰਬਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਣਾ ਯਾਰ ਸੋਹਣਾ ਏ ਦਰਬਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖੋ ਸੋਹਣਾ ਏ ਦਰਬਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਚੱਲੀਏ ਕਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ। ਆ ਵੇਖ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਉਮਦੀ 80-80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਵੇਖ, ਅੱਜ ਮਲਕ ਅਖਤਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੀ ਸੋਹਣਾ ਏ ਦਰਬਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਚੱਲੀਏ ਕਾਰ ਮਦੀਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਹੋਕੇ ਮਾਰਦਾ ਏ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਬੀ ਮਦੀਨੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਏ, ਹਜੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ,
बस तैयार हो गई, असी गड्डी विच आके बह गए। इधर ध्यान ना सुनियो, मैं गड्डी विच आके बह गया। मलक अख्तर साहब मेरे नाल 70 साल का बजुर्ग बाबा है, सोटी टेकदा टेकदा गड्डी च बह गया है। हजे गड्डी स्टार्ट हुई है, अलामा साहब ओदियां चीखां निकल गईयां ने। 70 साल का बाबा रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। मलक साहब मैं बाबे दे हाथ चुम ले ने। अंदरू सुनी, मैं जदों बाबे दे हाथ चुमे ने, मैं क्या बाबा क्यों रोना है, क्यों अथरू बगाना है। अल्लाह दी कसम है, अख्तर साहब तेरे मजमे दियां खाना मनाईया ते जिम्मेदार। मैं क्या बाबा कोई फोत हो गया ही पाकिस्तान। आंदा मौलवी जी नहाना, इधर वेखियो। मैं क्या बाबा किथे दा रहण वाला है। आंदा मैं फैसलाबाद शहर दा रहण वाला वा। मैनू आंदा मौलवी जी तुसी किथे दे हो। मैं क्या मैं सियालकोट दा रहण वाला वा। बाबा रोई जा रहा, इधर सुनो महफल विच बहण वाले हो। बाबा रोई जा रहा, मैं क्या बाबिया मैनू दस क्यों रोया है, मैनू दस क्यों चीखा मारिया नी। मलक साहब ओदे एडे एडे मोटे अथरू मेरे हथा ते डिग देने। आंदा मौलवी जी मदीना छोटी चला जाए, मैं मदीने तू टुर चला जाए। मैं बड़ा गरीब बंदा जाए, मैं लोगों दियाँ जुतियाँ गंढदा रहा वा, मैं लोगों दियाँ जुतियाँ बनांदा रहा वा। मैं 20 साल पैसे जमा किए ने, सोनिया मैं तेरे रोजे ते आवा, कमली वालिया मैं तेरे बूवे ते आवा। मैं बड़े बड़े गरीब रोंदे वेखे जे, मैं बड़े बड़े मस्कीन रोंदे वेखे जे। उस बाबे दा रोना हजे भी मेरिया अखां दे विच वसदा है। सारी इंतजामिया सारा पिंड मंचर चट्ठा बैठा जुमले सुनिया ने। मैनू आंदा मौलवी जी नात आउंदी आ। मैं क्या बाबा केड़ी सुननी आ, नबी दा रोजा सामने में, नबी दा गुंबद खजरा सामने में। इत्थे सुनी, बाबा रो के कहन लगा सुल्तानी नात सुना, मौलवी नात सुना। मैं क्या बाबा केड़ी नात, इत्थे सुनी तेरा मजमा उठिया ते गल करी। बाबा रो पिया, फिर रो के कहन लगा सुल्तानी मैनू जरा ओ नात सुना जड़ी पाकिस्तान सुनदा रहा। मैं क्या मलक अख्तर बाबा केड़ी नात, फिर नाले रो पिया, फिर नाले आंदा बोल आका मेरियां अखियां। बाबा आका मेरियां अखियां, जिदी सट गल विच पई है, दिल ते सट लगी हाथ बुलंद करके। आका मेरियां अखियां, अखियां आए हाय हाय क्या बात है तुहाड़ी। आका मेरियां अखियां, अखियां मदीने विच रह। इत्थे वेखी बंदे तड़फणगे। आका मेरियां अखियां, नाले रोई जा रहे आए, नाले हथ बनी जा रहे आए, नाले आखी जा रहे आए। आका मेरियां अखियां, अखियां इत्थे सुनी बाबा जी। आका मेरियां अखियां, अखियां मदीने विच रह गया, मुक गया वीजा ते। मुक गया वीजा ते, जुदाइयां फिर पै गया। आका मेरियां अखियां, अखियां मदीने विच रह। जी बाबा अल्लाह तनु मदीने लै जाए, कुर्सी ते बह के भी कह रहा है। आका मेरियां अखियां, मिल गया आखो यार तो भी हाथ बुलंद करके एक बारी आखने साबने। आका मेरियां अखियां, अखियां मदीने विच रह गया। मैनू आंदा मौलवी अगों भी पढ़। मैं क्या सुन बाबा आप जम जम पींदे रे आया, क्या बात तुहाड़ी। आप जम जम पींदे रे, अंदरू सुननी अंदरू नाद सुननी इथों। आप जम जम पींदे रे, दो दिन सुख नाल जींदे रे। आप जम जम पींदे रे,
क्या बात है मदीना शहर दी, क्या बात है नबी दिया गलियां दी। आप जम जम पींदे रहे हैं, दो दिन सुख नाल जींदे। अगला जुमला सुनियो बाबियो जरा। आप जम जम पींदे रहे हैं, दो दिन सुख नाल जींदे रहे हैं। अगू सुनियो। तेरे घर दी चौखट ते असी मंगते रोज सदे दे। इंज नहीं बाबा, पेड़ पै गया अज। अल्लाह की कसम उठा के आना मजदी अंदर मदीना वसे, ओ हथ बुलंदी करके आखेगा। आप जम जम पींदे रहे हैं, कुछ बंदे चौधरी बन के बैठे ने। आप जम जम पींदे रहे हैं, दो दिन सुख नाल जींदे रहे हैं। आप जम जम पींदे रहे हैं, दो दिन सुख नाल जींदे रहे हैं। हाजी की प्यांदा। तेरे घर दी चौखट ते असी मंगते रोज सदे दे रे आ। हाय हाय। तेरे घर दी चौखट ते असी, तेरे घर दी चौखट ते असी, तेरे घर दी चौखट ते असी मंगते रोज सदे दे रे आ। मुक गया वीजा ते, मुक गया वीजा ते, जुदाइयां फिर पै गईयां। एक बारी आखना जे। आका मेरिया अखियां, अत्तर साहब मजमा वेखो। आका मेरिया अखियां, अखियां मदीने विच रह गईयां। आका मेरिया अखियां, जे इंज नहीं कहना तेंज कह लो। कौन हैन दिवाली दा, अज पता लग जाए मदीने दी महफल हो रही है, आशक बैठे ने। कौन हैन दिवाली दा, दरबार बड़ा सोना। कौन हैन दिवाली दा, क्या बात है बाबा तेरी मोहब्बत की क्या बात है। कौन हैन दिवाली दा, दरबार बड़ा सोना। सोना इत्थे बोलना ही। कौन हैन दिवाली दा, हाँ हाँ कौन हैन दिवाली दा, दरबार बड़ा सोना सोना। कौन हैन दिवाली दा, दरबार बड़ा सोना। हजरा जुमले समाज फरमा जाया रे। जी रसी ते दुनिया दिया रसीतियां तो बंदा थक भी ते जांदा है। जी बला। दुनिया दिया सफरां तो बंदा थक भी ते जांदा है, पर सफर मदीने दा। जिदा हाथ बुलंद होया, अल्लाह तेरी किस्मत बुलंद करे। पर सफर मदीने दा, पर सफर मदीने दा, हर बार बड़ा सोना सोना। पर सफर मदीने दा, हर बार बड़ा सोना। मदीने का जिक्र सुन के ठंड पई, वह बोले सुभान अल्लाह। ठंड पई है कि कोई निकले जे। जिंदाबाद। हुण दो गल्लां मैं सुनानियां ने, उस तों बाद इजाजत। एक गल मैं तुम्हें बाप दी सुनान लगा, और आखिर विच एक गल हजरत अब्दुल रहमान जामी दी। उस तो बाद इजाजत, को लम्मा चौड़ा नहीं इंशाल्लाह, प्रोग्राम बिल्कुल मुख्तसर होएगा। जुमले सुने बाबा जी। बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी हदीस लैके आए ने, सुनियो बाप दी शान की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के दौर विच तीन यार सन। किन्ने? ओ जड़े बैठे हो इधर भी, तो सामने जड़े बैठे हो, तवज्जो फरमाया जी। किन्ने यार सन बाबा जी? गल बड़ी सुनने वाली जी। बजुर्ग लोगों को बहिए ना, तो मैंने एक ही गल दसते सन। कहते ने पुत्र
घंटे घंटे की तो तकरीर सानू याद आती नहीं बचे तो राजा पुत्र इत पिछे हो जाओ जरा तो असी कोशिश करने कि कोई मौलवी की एक गल भी पल्ले बन जाए तो वह भी बड़ी है तवज्जो फरमाया जी ए बजुर्गों ने जिहड़ी गल सुन ली उहदे ते पक्के ने उहदे ते पीड़े ने वेख लो इन्हां दे अकीदे बदलदे जे आ जिहड़ी अगू नौजवान नसल ये बदलदी पई अकीदे कोई मिर्जा इंजीनियर पिछे लग गया कोई किसी बदबख्त पिछे लग गया कोई किसी बद वह नहीं जी नहीं इंज नहीं जी मैं क्या चल फिर तू चंगा तो तेरा प्यो दादा सारे झूठे सन वे तू हूं आके ठीक हो गया तो जेडे पिछले सारे सुनो कितने गए बाबा जुमले सुनो ए बजुर्ग अपनी गल तो बड़े पक्के होंगे जे ए गल सुनो बजुर्ग वजू फरमा रहे सन तो एक बंदा आया ना पढ़िया लिखिया हाफिज़े कुरान से उन्हें वेख्या बजुर्ग ने इधर वेखो गल मैं करन दिया कि अपनी गल तो पक्के हो जाते बजुर्ग वह वजू कर रहे सन बाबे हरी तो कोई इलामा साहब आ गए तो उन्हें क्या बजुर्गों ने उन्हें क्या सरकार तुम जरा ना इधर हो जाओ थोड़ा जा बाबे रानु चढ़ गुस्सा गया उठ खलोते उन्हें क्या मौलवी सरकार किनू आखिया उन्हें क्या मैं बजुर्ग तुहानू क्या उन्हें क्या अज तू बाद ना आखी असा एक ही जात नू सरकार मनिया है आए हाए हर बंदे नहीं समझ आनी इस गल की जेडे लंगर खा के सौगे ना उन्होंने की पता मैं की कह छोटी गल उन्हें क्या असा एक ही जात नू सरकार मनिया मैं कौन होना गुनाहगार बदबख्त तू मैनू सरकार क्या असा मदीने वाली जात नू सरकार मनिया है हुण गल तो सुनने विच ते बाबा जी अल्लाह की इज्जत की कसम बड़ी वड्डी गल है उन्हें जो सुनाई मेरे अथरू आ गए यार एडे मजबूत अकीदे बाबियां दे एडे मजबूत अकीदे कि जिस गल ते पक्के हो गए ना उन्हें सरकार नू मनिया हजूर नू मनिया तो जिहड़े अज नवे नवे नू अगू दलीलां भेजदे ने नहीं जी ए भी इंज गल लंबी हो जाएगी जुमले सुनियो किन्ने यार सन बोलो एक बारी किन्ने यार सन अच्छा जी तीन यार सन वो सफर ते निकल पे बाबा जी जिवें तुहाडे पिंडू कोई यार होण दा आखण यार जाणा है रावल पिंडी जाणा चलो तीन यार रौनकी कट्ठे निकल जाने सफर आसान हो जाएगा उंज ही वह भी त्रै भी निकल पे एक गल सुना रहे ने नबी पाक अपने साहबा नूं हाँ कोई रांझा नहीं मैं तुहाडे सामने वारशाह नहीं पे बोलदा मैं हदीस पे बोलना बुखारी शरीफ की हदीस जे किबला बैठे ने पुछ लवो वो तीन यार सन इधर वेखो गल जाया हो गई ना तो फिर कोई फायदा नहीं जे इत्थे आउण दा लंगर खाण दा ते महफल सुनण दा गल कीमती जे बाबा जी तुर पे चलते चलते रस्ते च पहाड़ी सिलसिला आ गया अचानक आंधी आ गई तूफान आ गया तूफान के नाल ही बारिश शुरू हो गई हुण तीन यार सन कोल समान भी सी परेशान हो गए इन्हें सोचिया भाई जिवें अज इन्हां ने अपने वाल साहब का खत्म दुलाया इस वाले सवाब वास्ते बुलाया तुहानू मैनू यह मकसद पूरा हो जाएगा इस गल विच कि बाप दे की मकाम है बारिश शुरू हो गई उन्हें सोचा भी हुण छप्पण वास्ते जगह वेखी दौड़े एक दूजे वेख्या गार सी एक पहाड़ विच ना बड़ा वड्डा गार सी उन्हें आख्या भी रात इस गार विच गुजारने बारिश कोलों भी आप ही भी बच जाएंगे साडा माल भी बच जाएगा जदों दिन चढ़ेगा तो अगर सफर शुरू कर लाँगे हजूर फरमाते ने साहबां नूं कि तिने यार उस गार विच वड़ गए बाबा जी जुमले सुनो जदों यार गार विच वड़े ना हवा चलती भी सी तूफानी पहाड़ की चोटी तो एक मजबूत जिहा पत्थर खिसकदा 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 के ना उस गार दे मूँह अगे लग गया सुनियो हुण गल बाबे उस गार दे मूँह अगे आके ना टिक गया मूँह बंद हो गया हुण दिन चढ़ गया हुण पत्थर नूं जोर लाण तिने ते पत्थर हटे हुण बाबा जी एडा वड्डा पत्थर केड़ा बंदा लाउ जिवें 40 बंदे भी हिला नहीं सन सकदे ते तीन सन ते एडे वड्डे पत्थर नूं किवें हिलांदे मलिक साहब जुमले सुणियो तिने बेबस हो के ना जदों गार च बह गए अपनी मौत का इंतजार करन लग पे वी किसे टाइम ही मलकल मौत आ जाणा हुण अंदर ना कोई रोशनी ना कोई हवा ना लैनी ना देनी दरवाजे दे अगे पत्थर लग्या एडा वड्डा हुण किन्ने कढ़ना सी उहनां नूं बाबा जी किसे नूं ते पता ही नहीं वी अंदर कोई बंदे है भी ने कि नहीं है तो वह त्रै भी बंदे जिहड़े परेशान होकर बैठे ना तो जिहड़ा एक सी ना उहदी ज़ेहन विच ख्याल आया उहने कहा यार परेशान ना होवो चलो इत्थे बंदे ते नहीं वह ते आवे ना आए हाए 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 जी मेहरबानी जनाब जुमले का मुल पाया जी जुमले सुनया जी चलो बंदे ते नहीं चाचे ताए मामे ते नहीं इत्थे अपनी बरादरी वाले नहीं वो ते आवे ना वो मालक ते आवे ना अच्छा मेरी गल सुनो अल्लाह बंदियां दी सुनदा ने गार विच होण फिर भी सुनदा ते बाहर होण ते फिर भी
उन्हें क्या परेशान ना हो, लब गया। उन्हें क्या तेन के लब गया? उन्हें क्या अल्लाह सुनना ला ते जेड़ी नेकी तुसा कीती है ओदी रजा वास्ते, तवज्जो नहीं कीती तुसी। एक नेकी होंदी है दिखावे वास्ते, बल्ले बल्ले वास्ते, वाह वाह वास्ते। एक नेकी होंदी है ओदी जात वास्ते, तवज्जो फरमाए जी। उन्हें आख्या भी जेड़ी नेकी तुसा कीती है ना अल्लाह वास्ते, खसूसन खालसतन अल्लाह वास्ते, उस नेकी नू सामने रखो, ओदा वसीला पाओ। वसीला भी साबित हो गया वे नेकी का वसीला है, तो इमाम बुखारी भी लिखे ना बाप बन्ने नेकी का वसीला दे लेना चाहिए। इन दूसरे भी उलामा मान दूसरे मसले कहते। उन्हें क्या दुआ मंगो तो जी नेकी अल्लाह वास्ते की जी वे वसीला पा के आखो मौला करे नेकी तेन कबूल है तो पत्थर हटा दे। आए हाए 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 हूँ मुल पैन लगे इंज नहीं बाबा, एक बार हाथ बुलंद करके बोले सुभान अल्लाह। इसे वास्ते बाबा जी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाई रूमी कश्मीर दरदा बादशाह बोलिया मियां साहब फरमांदे ने अदल करे के थारे। क्या बात है बाबा, हैं अदल करे, अदल करे, थारे थारी कंबल उचियां शाना। आए हाय हाय उचियां शाना वाले हैं फजल कर रहे ते बाबा जी, फजल कर रहे ते हैं बहे। क्या बात है तुहाड़ी, हैं फजल कर रहे ते हैं बखे छे जावण मैं बरी के मौ सुनियो। ओ बड़ी बात है तुहाड़ी यार, फजल कर रहे ते हैं फजल कर रहे ते हैं बखे छे जावण मौला मैं बरी गे, मौला मैं बरी गे मो काले। बाबा जी एक यार उठिया उन्हें उठ के हाथ बुलंद कीते ने, तवज्जो करियो, उन्हें हाथी चुक लेने, उन्हें आखिया मौला फला वक्त मैं के नेकी कीती है, ही आला तेरे वास्ते कीती है, ही आला जे तेनु कबूले मेरे मौला पत्थर हटा दे। आए हाय तवज्जो कर दी है तवज्जो, पत्थर हटा दे। मलक साहब हजे उन्हें हाथी चेहरे ते नहीं फेरे, पत्थर थोड़ा जहा हट गया है, पत्थर थोड़ा जहा नीमा होया है, हजे बंदा बाहर नहीं जा सकता, बाहरों ही अंदर नहीं आ सकता, सिर्फ रोशनी होनी शुरू हो गई है, सूरज दियां शमावां होनियां शुरू हो गई ने। उन्हें दूसरे नू उठाया है, उन्हें आखिया मंग दुआ हुन वारी तेरी है, मेरी ते कबूल हो गई है, हुन तू मंग दुआ। बाबा जी दूसरा यार उठिया है, उन्हें हाथ चुक लेने, उन्हें आखिया नीली छत दिया मालिका मेरे आ सोनिया रपा मेरे आ मौला फला जगह दे अंदर मौला मैं एक नेकी कीती है, अगर सारी गल सुनावां तवील हो जाएगी, मौला अगर तेनु कबूले अल्लाह तू राजी होया है, मौला पत्थर हटा दे। बाबा जी पत्थर थोड़ा जहा होर हट गया है, मलक अख्तर हजे पत्थर सारा नहीं हटिया, हजे बंदा बाहर नहीं जा सकता, बाहरों ही अंदर नहीं आ सकता, हुण तीसरा रह गया जे तीसरा। जो तीसरे की वारी आई है, उन्हें हाथ चुक लेने, ए गल सुनना लिया मेरे वाल देखी, उन्हें हाथ बुलंद कीते ने, उन्हें आखिया मौला
तू मैनू जानना है, मैं बकरियां चराण आला, मैं सुबह बकरियां लैके, बाबा गल सुननी अंदर तैनू पता लगे की देख जा रहा, मैं बकरियां लैके जाना सा मौला शामा पै जांदियां सा, मैं बकरी लैके आना सा आके बकरियां दा दुध दोना सा, सब नाल पहला दुध अपनी मां नू देना सा, अपने अपे नू देना सा। सुनो मां दी शान सुनन आ रिया, प्यो दी शान सुनन आ रिया। मलक साहब जदों इन्नी गल कीती हुण अखां विच अथरू वगाए ने, आंदा मौला एक दिन मैनू शाम पै गई है, सोनिया मैं लेट हो गया, मैं बकरियां लैके वेड़े पहुंचिया, मैं वेखिया है मां सो गई जे बाप सो गए ने, बाबा जी रात अंधेरा पै गया है, आंदा सोनिया मेरे बच्चे भुखे रोंदे पे ने, आंदने मम्मा कदू साडा बाबा आएगा, अम्मी कदू साडा वालद आएगा, सानू भुख लगी है असां दुध पीना है, बाबा जी मां तसलियां दई जा रही है, आंदी है पुत्रो हुणे तुहाडा आपा आएगा, हुणे तुहाडा बाबा आएगा, ना रोवो अनक सोनिया, मेरे बच्चे चीखा मार मार के रोई जा रहे ने। इधर मेरे वल वेखी, जदों मैं बकरियां नू बनिया है, मैं अपनी बीवी नू आखिया पांडा लिया बर्तन लिया, जदों बर्तन ले आंदा है मैं बकरियां दा दुध देना वा, बाबा जी जुमले सुनिया ने, जदों मैं बकरियां दा दुध दोया है, दुध दो के मैं प्यालिया विच दुध पाया है, इत्थे बाबा जुमले सुनिया जे, मैं प्यालिया विच दुध पाया है, मेरे बच्चे मैनू चिमड़ गए ने, हन्ने बाबा दुध सानू दे दे, अबू जी बड़ी प्यास लगी हुई है, आंदा रब्बा सोनिया मैं बच्चियां नू पीछा कीता है, मैं बाल रोंदे छड़ दिते ने, मैं बाल तरसदे छड़ दिते ने, मेरी बीवी तरले पांदी रह गई है, बाबा जुमले सुनिया ने, आंदा मैं क्या पीछा ही हो जाओ, मैं दुध लैके आए हाय, इत्थे जुमले सुनी, आंदा सोनिया मैं दुध लैके पहला मां दे कोल गया, पहला अप्पे दे कोल गया वा, मैं पहला अम्मा दी अप्पे नू दुध पिलाया है, फिर बच्चियां नू पिलाया है, मेरे मौला अगर इन्ने की तेरी पाक बारगाह अंदर कबूल हो गई आ, पत्थर हटा दे, पत्थर हटा दे, पत्थर हटा दे, मलक साहब हजे चेहरे ते हाथ नहीं फिरिया, पत्थर यो जा पिया, पत्थर यो जा पिया जे, उतू आवाज आई है, तुसां जेड़ियां नेकियां कीतियां ने असां अरशां वालियां ने कबूल कर लिया ने, ताइयों दी अलल इलान कह रहा तेरे मजमे दे विच कह रहा, अजीमत की सुनावा प्यो दिया, अंगनी मिलके अजीमत की सुनावा प्यो दिया, तारी दिंदियां ने अज मां ने अज पियो होना है, अज मां ने अज अप्पा अप्पा होना है, तारी दिंदियां ने दुआवां पियो दियां, अज दे अप्पे वास्ते दुआ करनी है, सब ने मिलके रो के आखना है, मौला मलक अत्तर दे वालद नू जन्नत दे, जन्नत विच आला मकाम दे, असी ताइयों ते रो रो के आने आ, सानू सीने लाने वाला जिदे वेड़े बाप नहीं हो दर्द नू समझेगा, सानू सीने लाने वाला जुदाइयां अज तुर गया जे बाप छड़ के, हवेलियां छड़ के, जमीना छड़ के, कोठियां छड़ के, सानू सीने लाने वाला, आए हाय जी बाबा,
अजमले सुनने नहीं एक बारी सानू सीने लाने वाला जुदाइयां आज पा गया सानू सीने लाने वाला जुदाइयां आज पा गया अपना सी बन के बेगाना तुर गया सुनो प्यो दी शान अपना सी बन के बेगाना तुर गया अपना सी बन के बेगाना तुर गया साडे सिर उतो प्यो दसाया उठ गया साडे सिर उतो अज मलक अत्तर दी भी दिल रो रहा है ते रो के कह रहा है साडे सिर उतो प्यो दसाया उठ गया साडे सिर उतो प्यो दसाया उठ गया है और कठियां रैन दिया गल्ला सी जो करदा सारे पुत्रां नूं आंदा मेरे ओ पुत्रो कठे रियाज मेरे ओ शहजादियों कदी जुदा ना हो यार है वीरां दे नाल रे यारे है वीरावां दे नाल रे यारे रब्बे काबा दी कसम है जुमले सुनियार तवज्जो जी बस 8 to 10 मिनट की गल रह गई जुमले सुने जी मैं आखिरी गल कर लगा जेड़ा कहंदा सी ना कट्ठे रहो अज वो आप कब्रस्तान डेरे ला ले ना ते जिन्हां दा बाप ना ना होवे बाबा जी मेरी एक गल याद रखिया जे उन्हां दे पुत्र कोई डकेड बनदे जे ते कोई शराबी बनदे जे इन्हां दे पिछे कोई मारन वाला होवे ना समझाण वाला होवे मैनू अगले दिन एक पुत्र कहन लगा कहंदा कर साहब जदों मैं बाहर खलोता हुंदा मेरा अब्बा मैनू झटका मारदा चल घर ओ मैं कहा खुश नसीब है जिन्हों को कहण वाला हुंदा है जिन्हां दे कोई नहीं ना हुंदे उन्हां नू कोई नहीं कहंदा ओ भावें 12 बजे तक भी बाहर बैठे रहन पिंड विच उन्हां नू कोई नहीं कहंदा अपने बाप की कदर कर अपने बाप की सेवा कर बच्चा सी ना एक ते उन्हें अपने अब्बा उहदा पिंड दा लंबरदार सी ना बाबा जी उन्हें अब्बे ने मशवरा किया उन्हें कहा अब्बा जी ए जिहड़ा खत है ना 3 मरले का यह मैनू पे लभद सुने भी बाप अगे हों के पुत्र अगे हों अज तो मुंडिया ने अब्बा असं बाहर फिरने तू तो सारी जिंदगी डंगर पिछे कड़ छड़ी तेनों की पता है कि हालात की जा रहे ने माहौल किस तरह का जा रहा सुने तो फिर तुम्हें पता लगेगा बस मैं नेड़े लै गया तकरीर अच्छा जी बाप ने कहा भाई पुत्र की लैन आया उन्हें कहा अब्बा जी मैं थोड़े को मशवरा लैन आया की लैन आया इधर वेखियो जी मशवरा कि लैन लगे आंदा अब्बा जी नाल दी खत्ती मैनू भी लभदी है वैसे उहदा रेट जिहड़ा है ना 3 लाख रुपया तो मैनू 2 लाख तू मिलदी पई उहनूं पैसिआं दी लोड़ ते अब्बा जी मैं जगाड़ पै लगदा ते जगह लीला समझ आ रही है ना जगह लीला बाप ने आख्या पुत्तर ना लई की आख्या ना लई हुण गल दा निचोड़ मैं कढ़ना इत्थे पता लगे भी कोई मौलवी आया सी कोई दे के गया अच्छा जी उहने मलक साहब लामा साहब उहने सोचा उहने कहा अब्बे नूं की पता है मैं तो चंगा मशवरा लैन आया अब्बा आखेगा बिस्मिला पुत्र लै तो अब्बा पिया मेरा जगाड़ पिया लगता काम पिया सीधा होंदा तो अब्बा मेरे काम डंडी पिया मार दिंदा ना लई तो अब्बे नूं की पता है कहंदा चलो अब्बा ठीक है तेरा भी मशवरा लिया मैं बाहर जाके कहन लगा भी जो लीला अब्बे नूं दसांगा अब्बे ने की कर लेना तो की कह लेना बाबा जी प्यो ने की करना हुंदा उन्हें किहड़ा लड़ना पुत्रां दे नाल उन्हें तो समझानी है गल कोई समझ आएगा उहदी मेहरबानी ना समझेगा उहदी मेहरबानी अलामा साहब जदों ने जगह ली ना आ गल बड़ी सुनने वाली जी जिस टाइम जगह ले ली मुल पै गया जगह का जगह दे उन्हें पैसे जेड़े ना सारे दे छड़े कि मेरा यार है तो कोई मसला नहीं यार तो अगे चीज दे कोई नहीं तकबीर नाराय रिसालत नाराय तहकीक नाराय हैदरी।
पैर तरीकत रहबर शरीयत पीर सैयद नसर गुलबाग साहब अस्थाना लिया हजरत करमा दिल दिया था गहराइया नाल खुश आमदीद कहना मलिक साहब की तरफों पूरे इंतजामिया पूरे इलाके की तरफों गल कितों से जी कोई याद भी जो कि कोई नहीं आ वेखो ना तुने सारे ने याद है वह मरले पे लैंदा सी आ गल सुनियो उन्हें कहा भी अब्बा जी मैनू लभदा पिया तो तुहाडा उन्हें अब्बे ने कहा पुत्र ना लही तकरीर वह होंदी है जिहड़ी अंदर वड़ जाए दिल से बह जाए उन्हें बाहर जाके ना उन्हें सौदा कर लिया पैसे भी किबला पीर साहब दे छड़े पैसे दिते ना तो उन्हें कहा रजिस्ट्री उन्हें कहा भी महीने बाद तुहानू रजिस्ट्री कर देंगे उन्हें कहा मैनू यकीन है तो इन्हें की कर लैण वह बाबा जी रजिस्ट्री पिछे पिया पैसे उन्हें सारे दे छड़े एक महीना दो महीने तीन महीने चार पाँच छे जदों गुजर गए ना छे महीने तो हूँ ना जमीन का पता तो ना रजिस्ट्री का पता है वे जमीन केड़ी है तो रजिस्ट्री पता ही कोई नहीं हूँ वो उन्होंने आखे यार रजिस्ट्री कर दे उन्हें एक दिन उन्होंने दसिया उन्हें कहा यार गल पता की मेरे ना नाराज ना हो जगह वेच रौला जगह वेच की है रौला तो मैनू जरा क्लीयर कर लें आइए तो मेरे ना रजिस्ट्री नहीं हुई तो तेरे ना कितों होनी है मेरे ना होएगी तो तेरे ना होएगी ना तो जगह बेच रोला हूँ वेखो आ जे हशियार बच्चे बनते ना मुंडे हशियार पे वो तू अबे तू हशियारी करते हैं उन्हें हशियारी तो कर ली अबे तू बगैर हूँ वो अबे तो सामने ना जाए अबे नू पता लग गया भी मुंडे ना फराड हो गया बाबा लोग आते ने भी अपने घर के डंगर के दंद है वेखे ना गिने होंगे ना हाँ तो अपने घर के भांडे का भी पता होंगे भी ये की है उन्होंने पता से भी मैंने इन्हें हशियारी करनी है तो चल कर ही लै हाँ तू बगैर अबे तू जे मैं अच्छी हशियारियां करते हैं अत वजह फरमाया जे उन्हें जी तू बाबा जी अबे को पता लग गया हूँ वो अबे के सामने ना जाए बंदे उन्होंने आखन तेरा अब्बा लोगों के फैसले करता तो तू अबे को क्यों नहीं जाता चाहता अबे को नहीं जाना हूँ अबे को मूँह नाल जाए अबे ने तो कहा ना लई इन्हें तो हशियारी करके ली ली जदू बाबा जी नौ महीने गुजरे ना तो बड़े विच बंदे पाए कोई गल ना मुके एक दिन अब्बा वेली बैठा सी उका बह छिके आ गया मुंडा सिर थले सुटे अब्बा जी सलाम अलैकुम फरमाया वालेकुम सलाम पुत्र आ पुत्र बह बह गया कहंदा अब्बा जी तुहाडे नाल एक गल करनी सी अब्बे ने आख्या पुत्र वो मैं ही ना तैनू सुना छड्डा जिहड़ी तू मेरे नाल करनी है वो मैं ही ना तेरे नाल कर लवां नहीं अब्बा जी इधर वेखो हाथ बन के ना अब्बा जी गलती हो गई माफ कर दे ते वो जोड़ी तुसां गल किया सी उन्होंने कहा पुत्र मैं तैनूं एवें तो नहीं सी ना कहा भी जगह ना लई जिहड़ियां महंगीआं चीज़ां सस्तीआं वेचण ना वो चंगीआं नहीं हुंदीआं ओया बजुर्गां दी गल जे समझो इहनूं मेहरबानी एक बंदा बाबा जी 3000 दी चीज़ लिया के ते 200 दी दिंदा पिया किसी नशई ने चुकी होनी वो इंज तो नहीं भी एक चीज 3000 की तो 200 की 200 की उन्हें तुम कितों दे छड़नी है 150 की कितों दे छड़नी है वह फराड लाता है अगले नूं कि पिछू भी फराड लगा होंदा ते अगले नूं भी मैं फराड लावां जुमले सुनियो जिंदगी का पता कोई नहीं गुमेल होवे कि ना होवे पर जुमले सुन जाए उन्हें कहा पुत्र तू मैनूं कहा सी सस्ती भी लभदी है तो पुत्र सारियां सस्तियां चीज़ा सही तुहानूं पता ना पठान जिहड़ी इस्त्री 5000 की है ना वह 500 की भी दे जांदे ने ते जो खोल के वेखीए तो मशीन कोई नहीं होंदी ऐ दियां दे गए जे थरमास दे गए ने बाबा जी वे शीशा ही कोई नहीं वो ठंडी तो ठंडी चीज ओना पता बुढ़िया ने इन्हां नूं दाल लाना किहड़ा औखा काम है हुण बुढ़िया ने वेखना वो 500 की चीज वो मैनूं तो बड़ी सस्ती दे छड़ी है वो कपड़े वाले ने 15000 का सूट सी मैनूं 900 का दे छड़िया हुण वेखो ना मैनूं 1000 का दे छड़िया इधर तवज्जो फरमाया जी बाबा जी प्यो ने आख्या पुत्र फैसला मैं तेरा कर देना तो फैसला मैं ही करना है आए हाय हाय इधर तवज्जो फरमाया जी फैसला किने करना है मैं ही करना है पर मेरी एक शर्त है उन्हें कहा अब्बा तेरी कड़ी शर्त है इधर वेख्या जे उन्हें कहा पुत्र शर्त मेरी ये वे कि फैसला तेरा मैं उन्हें घंटे विच कर देना तू पूरे पिंड च चक्कर लाना है ते चक्कर ला के आखना है कि मैं पुत्र हाँ तो मेरा बाप मेरा अब्बा है यह गल करनी है उन्हें कहा अब्बा वो क्यों उन्हें कहा सारी दुनिया नूं पता लग जाए पुत्र जिड्डे मर्जी भी हुशियार होण ना तो फैसले नहीं कर सकते फैसले हमेशा बाप ही करते ने इसे वास्ते बाबा जी रूमीए कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाई है मियां साहब फरमाते ने वीर वीरां दे हे तर
किबला पीर साहब अल्लाह की कसम उठा के आना है वीर वीरांदे है दर इधर देखियो हे वीर वीरा दिया पावा हे पाप सिरा दे हे ताज मुहम्मद हे मामा ठंडिया छावा बाबा जी कौन मुल्ला जामी हजरत अब्दुल रहमान जामी दा वाक्या सुना के छड़ा लगा हे कौन जामी जेड़ा किबला सुबह भी रोंदे ने रात भी रोंदे ने आंदे ने कमली वाले मैं मदीने आना है मैं तेरे गुंबद नूं वेखना है अलामा साह जामी ने नात शेर लिख लेने लिख के रुका जेब विच पा लिया है सियालवी साह कैसा मंजर आना है काफला गुजरिया है सुनियो आखिरी गल ये काफला गुजरिया है हजरत अलामा अब्दुल रहमान जामी हे कौन जामी हे कौन अब्दुल रहमान जामी रब्बे काबा दी कसम उठा के आना जिनों काफले दे विच शामिल हो गए ने काफले आले नूं आंदे ने किथे चले हो आखन लगे जामी असी मदीने चले असी मदीने चले असी यार दी नगरी चले असी सोने दे शहर जा रहे अब्दुल रहमान जामी ने आखिया काफले आलियो जिन्नियां बकरियां मेरियां ने मेरियां बकरियां ले लो मैनू भी यार दे शहर मदीने ले जाओ मैनू भी मदीने ले जाओ बाबा जी बकरियां बिक गईयां ने माल बिक गया जे दौलत बिक गई जे जामी कोल तन दे कपड़े रह गए ने काफले आले आंदे ने चाली चलिए असां मदीने जाना है असां यार दी नगरी जाना है बाबा जी जामी भी नाल टुरन लग पे ने जदू मदीने दी जू शुरू ही आन लगी है बार्डर शुरू ही आन लगा है खबर ने मदीना नू नबी पाक की जियारत पई है खबर ने मदीना नू कमली वाले आंदे ने जा फलानी जगह तू काफला आ रहा है ओदे विच अब्दुल रहमान जामी है उन आखी मदीने ना आवे उन आखी मदीने ना आवे बाबा जी सुबह होई है खबर ने मदीना जुमले सुनिया रे खबर ने मदीना है जिदू सुबह होई है हा के काफले दे कोल आया है उन्हें आख्या मैनू दसो थोड़े विच जामी कौन है थोड़े विच अब्दुल रहमान कौन है बाबा जी जामी उठ के खलो गए हाथ बन के कहंदे ने जामी मैं अब्दुल रहमान जामी मैं उन्हें आख्या जामी तेरा पैगाम आया है सारी दुनिया मदीने जाएगी मेरा जामी मदीने ना आवे मेरा जामी मदीने नहीं आ सकता बाबा जी काफला गुजर गया है जामी जोत बह के रो रहे आए मदीने वाली चेहरा कर लिया है रो रो के आंदा है कमली वाले नाले रोई जा रहे ने नाले आंदे ने तेरे रोजे मदीने मैनू सद सोनिया तेरे रोजे अल्लाह दी कसम मलक साहब जुमले वड्डे दे रहे हो तेरे रोजे थे आमा मदीने मैनू सद सोनिया तेरे तरले नी पामा तेरे तरले नी पामा मदीने मैनू सदी सोनिया
बाबा जी काफला गुजर गया है, दूसरा काफला आ गया है। जामी आंदा मैनू मदीने ले जाओ, उन्हें आख्या जामी किवें जाएगा, फरमाया मैं तेरे रेवड़ विच बकरियां दी तरह रेड़ रेड़ के चला जावांगा। बाबा जी जामी हाथ जमीन ते ला लेने, गोडे जमीन ते ला लेने, इंज जामी मदीने जा रहा है, इश्क दी तारीख रकम करी जा रहा है। फिर कबर ने मदीना नू ख्वाब विच नबी आए, फरमाने ने जामी फिर भी आयोंदा आई, मेरा गुलाम फिर भी आयोंदा है। बाबा जी कबर ने मदीना फिर आया है, उन्हें तलाशी ली तो जामी नू वेखिया बकरियां दे रेवड़ अंदर, आखन लगा जामी तनु असर क्यों नहीं आंदा, तेरा मदीने जाना मनावे, तेरा मदीने दाखला मनावे। बाबा जी फिर जामी ऊंठा दे कजावे विच छुप गए, ऊंठा आलियां नू आंदे ने मैनू मदीने ले जाओ, मैनू मदीने ले जाओ, मैनू मदीने ले जाओ, मेरा यार तू बगैर दिल नहीं लगदा, मैं मदीने जाना चाहना वां। ओए मदीने दे आश को जुमले सुनिया ने, कबर ने मदीना सुते ने, नबी दा दीदार होया, फरमाया जामी ऊंठा दे कजावे विच पिया आउंदा ई, मेरे जामी नू मना कर दे। बाबा जी गवर्नर आया, उन्हें जामी नू फड़िया ते कैद खाने डक दिता, उन्हें आख्या तीन बारां ही हो गईआं ने, मैं तैनू मना कीता है, तू फिर मुड़ मुड़ मदीने आना है, तैनू केड़ी चीज नहीं जान देनी। जामी कैद खाने विच डके गए ने, बाबा जी अदी रात दा वेला होया जे, फिर मेरे आका दी जियारत गवर्नर नू होई है, फरमाया कोई होश दे नाखन लै हकीदा पद पते, मेरे जामी नू अंदर कीताई, मेरे जामी नू कैद कीताई, आंदा सोनिया तुसी मैनू आंदे सो जामी ना आए, मैं आख्या कोई गुनाहगार होना है, कोई मुजरम होना है, मेरे नबी ने फरमाया ना ना, मैं जामी मेरा है, मैं जामी दावा। बाबा पूरी गल सुनिया, जामी मेरा है, मैं जामी दामा, मैं मुजरम नहीं समझिया, मैं गुनाहगार समझ के नहीं आखिया, हजूर फिर क्यों मना कीता रे, फरमाया तेनू नहीं पता, जामी ने नात लिख के जेब विच पाई हुई है, अगर जामी मुहम्मद रोजे ते आ गया, इन्हें खलो के नात पढ़ी छड़नी है, सानू रोजा छड़ के बने आना पैणा, बने आना पैना है, सानू जामी दा मत्था चुमना पैना है, सानू जामी दे हाथ चुमने पैने, आखी सोने नो हवा नी, जे तेरा गुजर होवे मैं मर के, आए हाय मैं मर के, मैं छड़ गई जी गल, एक मिनट रह गया जे, मुक गई जे महफल, मैं मर के वी नहीं मरदा, जे तेरी नजर होवे मैं मर के वी नहीं मरदा, अल्लाह पाक दी पाक बारगाह दे अंदर दुआ गावां, अज दी ये खूबसूरत महफिल पाक मलक अख्तर साहेब इन्होंने अपने वालिद साहब दे नां दी, मैं तुहानूं अब्बे दी शान भी सुनाई है, तुहानूं मदीने दी गल भी सुनाई है, तुर हज़रत अब्दुल रहमान जामी दा इश्क भी सुनाया है। अल्लाह पाक सारियां चीज़ां ते सानू अमल दी तौफीक अता फरमाई, जिंदगी रही ते मौके मिले फिर गल्लां करांगे, लै ओ यार हवाले रब दे, ते मेले चार दिनां दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिला। माशाल्लाह जी।